subscribe to our YouTube channel VanFin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. VanFin, discover opportunities, create wealth. चलिए इससे पहले आगे बढ़ूं, पहले तो एसएमई इंडेक्स प्लीज स्क्रीन्स पर लेकर आए। मेन बोर्ड पे तो गजब का मूव देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे हरे निशान के साथ कामकाज और रब ऑफ तो एसएमई में भी आपको नजर आएगा। आधे परसेंट के आसपास के उछाल के साथ इंडेक्स में कामकाज 7.75 पॉइंट ऊपर इस समय। लेकिन एक्शन वाले शेयर्स लेकर आइए, पहले उछाल वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर। औरंगाबाद डिस्टिलरी, माधव कॉपर 5.5% ऊपर। सकार हेल्थ केयर में हम देख रहे हैं 13-14% के आसपास की मजबूती। और आरकेईसी प्रोजेक्ट 3.75% के उछाल के साथ यहां पे कामकाज। तो ये वो स्टॉक्स जहां पे हरकत ऑन द अपसाइड, अब ऑन द डाउन साइड वो हरकत वाले स्टॉक्स आते हुए। ये जो लास्ट में नजर आ रहा है आपको, पहले कमजोर था कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी, जो है अब लोअर लेवल से एक रिकवरी। अदरवाइज एमके टैप्स एंड कटिंग टूल्स 5% नीचे। मध्य प्रदेश टुडे मीडिया, ये बहुत बार फीचर करता है बजिंग में, 8.5% दबाव के साथ इस समय कामकाज। और ANI इंटीग्रेटेड सर्विसेज में भी 3% के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड। ये तो था अब तक का आज का मार्केट एक्शन। लेकिन वरुण और सोनम जुड़ते हुए, हेमंत पता नहीं कहां से आ रहा है एकदम से मुझे, दोनों जुड़ते हुए जो बताएंगे आज एसएमई कॉर्नर में क्या अपडेट्स हैं। तो सोनम, शुरुआत आपके साथ, ये सब जानना चाहते हैं अपकमिंग आईपीओस कौन कौन से आने हैं, पहले तो वो डिटेल लाइट शेड करें। आशीष, तीन आईपीओज मार्केट में उतरे हैं। सबसे पहला आईपीओ है जो आज खुल गया है, वो है एवन मोल प्लस लिमिटेड। ये खुला है आज, बंद होगा जुलाई 18 तारीख को। 4.5 करोड़ का इशू साइज है, 51 रुपए का प्राइस होगा और 2000 शेयरों का लॉट साइज है। ये कंपनी लिस्ट होगी एनएसई एसएमई में। उत्तर प्रदेश बेस्ड कंपनी है जो प्लास्टिक फर्नीचर के कारोबार में है, काफी बड़ा ब्रांड माना जाता है वहां पर। फाइनेंशियल पोजिशन की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है, तो फाइनेंशियली भी कंपनी काफी साउंड देती है। अब दो आईपीओ से जो खुलने वाले हैं आगे चलकर, उसमें सबसे पहला है सुपर शक्ति मेटालिक्स लिमिटेड। ये आईपीओ खुलेगा जुलाई 17 तारीख को, बंद होगा जुलाई 20 तारीख को। 60 करोड़ का ये इशू साइज है और बीएससी एसएमई में ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो स्टील और आयरन के मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में है और ये कंपनी भी अपने कारोबार में काफी बड़ा ब्रांड मानी जाती है कोलकाता में। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी मजबूत दिखाई देता है, बल्कि एक अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने रिपोर्ट किया है पिछले कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक। अब तीसरी कंपनी है, वो है गणेश फिल्म इंडिया लिमिटेड। इसका इशू खुलने वाला है 16 जुलाई को, बंद होगा जुलाई 18 तारीख को। 8 करोड़ का इशू साइज है, 80 रुपए का इशू प्राइस और मार्केट लॉट 1600 शेयरों का है। ये कंपनी लिस्ट होगी बीएससी एसएमई में। मुंबई बेस्ड कंपनी है जो साउथ इंडियन फिल्म्स जो होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जो होते हैं वो खरीदती है और फिर वो थिएटर्स और सब में बांटती है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी मार्केट में आ रही है। इनके पास अभी तक 696 साउथ इंडियन फिल्म्स का एक कलेक्शन है और इसी बेसिस पर ये कंपनी ग्रो हो रही है। फाइनेंशियल पोजिशन कंपनी का बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि कंपनी ने खुद ये नहीं दिया है, सिर्फ एक ही साल का रिकॉर्ड दिया है, तो उसके बेसिस पर जानना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, साउथ इंडियन फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो सकता है, इसका तो प्रोडक्ट मैं कंज्यूम करता हूँ क्योंकि छुट्टियों में आजकल बड़ा अच्छा लगता है वो दोपहर में वो डब्ड साउथ इंडियन मूवीज आती हैं टीवी पे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स होती हैं। तो चलिए, गणेश फिल्म 16 जुलाई को खुलेगा, सुपर शक्ति मेटालिक 17 जुलाई को और एवन मोल्ड ब्लास्ट 18 जुलाई को यह आईपीओ खुलने जा रहा है। लेकिन वरुण के बाद आज फिर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, कल अपडेट आया है कि बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर एसएमई के लिस्टिंग नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। तो वरुण, पहले तो ये क्या बदलाव है और क्या अगर मैं एसएमई हूं तो मेरे लिए ज्यादा आसान किया जा रहा है लिस्टिंग करना या उल्टा हो गया ये? नहीं देखिए, नियम तो यही बताता है कि आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया गया है लिस्टिंग के लिए, क्योंकि एनएससी में ऑलरेडी ये नियम थे तो बीएससी ने अब बदले हैं इन नियम को। ये पहले आप समझ ले, 4 पैरामीटर्स है जहाँ नियम बदले गए हैं। सबसे पहले तो पोस्ट इशू पेडअप कैपिटल, पहले ये था कि आपकी कंपनी का जो पोस्ट इशू पेडअप कैपिटल है वो मिनिमम 3 करोड़ रहना चाहिए था, अब ये मिनिमम के क्राइटेरिया को हटा दिया गया है और कहा गया है कि मैक्सिमम पोस्ट इशू पेडअप कैपिटल जो है वो 25 करोड़ रहना चाहिए, यानी कि मिनिमम का जो क्राइटेरिया है उसे हटा दिया गया है। दूसरा, इसके पहले था कि नेटवर्थ, आपकी कंपनी की नेटवर्थ जो है वो मिनिमम 3 करोड़ रहना चाहिए, अब इस मिनिमम के क्राइटेरिया को भी हटा दिया गया है और कहा है कि आपका नेटवर्थ सिर्फ पॉजिटिव रहे यही बहुत है, यानी कि 3 करोड़ की जगह 1 करोड़ या 1 लाख भी रहेगा तो भी चलेगा। नेट टैंजिबल एसेट्स, पहले आपके पास 3 करोड़ के नेट टैंजिबल एसेट्स होने चाहिए थे, अब इस नियम को ही हटा दिया गया है। और सबसे आखिरी में ट्रैक रिकॉर्ड, पहले नियम ये था कि आपकी कंपनी के पिछले 3 साल में से 2 साल कंपनी को मुनाफा हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ कंपनी का जो या तो कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 5 करोड़ का होना चाहिए। अब नियम को बदल के ये कर दिया गया है कि आपके प्रॉफिट को नहीं देखा जाएगा
बल्कि आपका एबिटा परफॉर्मेंस देखा जाएगा, यानी कि आपका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखा जाएगा। पिछले 3 में से 2 साल आपका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में रहना चाहिए, वहाँ नुकसान नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एसएमई की जो लाइफ है वो अब लिस्टिंग के लिए एटलीस्ट बीएससी में आसान हो गई, तो काफी आसान हो गई। क्विकली चेक दे रहे हैं, अगर आप एसएमई है तो ध्यान रहे, पेड अप कैपिटल अधिकतम 25 करोड़, नेटवर्थ आपका पॉजिटिव रहे वही काफी है, वो 3 करोड़ का थ्रेशोल्ड हटा दिया गया है, नेट टैंजिबल एसेट को लेकर जो नियम थे वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखी जाएगी, ऑपरेशनल एबिटा परफॉर्मेंस, ऑपरेशनली अगर आप 3 में से 2 साल मुनाफे में तो भी आप लिस्ट करा सकते हैं, है ना वरुण, सही समझा आशीष? वो पेड अप कैपिटल का आप एक सही से बता दीजिए, क्योंकि वहां पहले क्राइटेरिया रहता था कि मिनिमम 3 करोड़ चाहिए, अब ये मिनिमम का क्राइटेरिया हटा दिया गया, ठीक है, अब वो मैक्सिमम 25 करोड़ पे, तो अब वो कितना भी कम हो तो भी चलेगा, ठीक बात। तो ये वो बदलाव होते हुए एसएमईज के लिए, एनएससी भी तो आसान हो ही गया था, बीएससी भी फॉलो सूट करता हुआ, बीएससी एसएमई एक्सचेंज में लिस्ट करना अब आपके लिए और आसान होता हुआ। लेकिन सोनम, जाते जाते इस हफ्ते वो लिस्टिंग्स होने वाली थी कई सारी, कौन कौन सी लिस्टिंग्स हुई और कैसा परफॉर्मेंस? तो 4 कंपनियों की लिस्टिंग हुई है और चारों की लिस्टिंग काफी सुस्त दिखाई दे रही है, नेगेटिव नहीं है, यही एक पॉजिटिव बात कही जा सकती है इन चारों के लिए। सबसे पहले गंगा फॉर्जिंग की लिस्टिंग हुई है 11 तारीख को एनएससी एसएमई एक्सचेंज पर, इश्यू प्राइस 21 का था और लिस्ट भी यही प्राइस पे दिखाई दे रहा है। जकारिया फैब्रिक्स इसकी लिस्टिंग हुई थी 11 जुलाई को एनएससी एसएमई पर और इसका इश्यू साइज था 180 रुपए का, इस वक्त भी ट्रेड कर रहा है 181 के पास, तो इसकी भी लिस्टिंग काफी सुस्त दिखाई दे रही है। ब्राइट सोलर लिमिटेड का आईपीओ लिस्ट हुआ था 9 जुलाई को एनएससी एसएमई पर और इसका जो इश्यू प्राइस था वो 36 का था और ये कंपनी भी उसी लेवल्स पर ट्रेड अब इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ एक रजनीश वेलनेस है जिसकी लिस्टिंग हुई थी जुलाई 9 तारीख को, जिसका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। बीएससी एसएमई पे ये लिस्ट हुई है, 95 का इश्यू प्राइस था और इस वक्त 101 या फिर 101 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो 6% के रिटर्न्स इसने दे दिए हैं, ठीक बात। तो ये हफ्ता लिस्टिंग के लिहाज से मार्केट का मूड भी अच्छा रहा, तो लकीली लिस्टिंग भी सारी अच्छी होती हुई नजर आई। सोनम, वरुण, आप दोनों का धन्यवाद। और आज के एसएमई कॉर्नर और आज के न्यूयॉर्क कंपनी में इतना ही, ब्रेक ले रहा हूं। आज है बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और तमाम जो खबरें अवेटेड थी खासतौर पर एचसीएल टेक को लेकर, वो सब डेवलपमेंट रिपोर्ट किए जाएंगे शायद, तो ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।